आपकी जो हेडलाइट है वो कंप्लीट चेंज कर दी गई है और काफी यूनिक स्टाइल में इस हेडलाइट को बनाया गया है। अगर आप बात करते हैं इसके वगैरह देखने को नहीं मिलती थी आपको, यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्राफिक्स देखने को मिलेगी और काफी यूनिक लगती है देखने में, आप देख रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बैक टू बैक आपको बजाज के मैं ब्रांड दिखा रहा हूँ, बजाज की बाइकें दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों दूसरी बाइक जो आज मैं शूट करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने एवेंजर लगी हुई है जो कि 160 सीसी में है। और दोस्तों एक और बड़ी बात बता देता हूँ इस बाइक के बारे में कि कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन फैला रखी है इस बाइक के बारे में कि कंपनी ने बजाज एवेंजर को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं अभी इस टाइम शोरूम पर अवेलेबल हूँ और दिल्ली में पास में हूँ, बिल्कुल जस्ट भजनपुरा में। और आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल ब्रांड न्यू एवेंजर लगी हुई है। और अगर शोरूम में कंपनी ने अगर इस बाइक को बंद कर दिया होता तो ये बाइक शोरूम पे अवेलेबल नहीं मिलती। तो चलिए आज एवेंजर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताते हैं, 2024 में क्या क्या नया फीचर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है और कैसी होने वाली है बाइक, क्या प्राइस होने वाला है। तो चलिए बाइक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो आप एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जिस बाइक की मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो बाइक है ऑलरेडी बिक चुकी है, ये बुक हो चुकी है, तो मैं इसका ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहले जो हेडलाइट आती थी आपकी एवेंजर में, तो एवेंजर आती थी 150, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो हेडलाइट है वो कंप्लीट चेंज कर दी गई है और काफी यूनिक स्टाइल में इस हेडलाइट को बनाया गया है। अगर आप बात करते हैं इसके बल्ब की, जो इसके अंदर बल्ब आपको मिलता है, तो दोस्तों कंप्लीट आपको इसके अंदर हाइलोजन बल्ब देखने को मिलता है यहाँ आप देखेंगे तो। इंडिकेटर में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको फुल्ली ब्राइट इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, इसके अंदर चारों इंडिकेटर आपको ब्राइट देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर के अंदर जो बल्ब लगे हुए हैं वो भी दोस्तों आपको हाइलोजन में देखने को मिलेंगे। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे हेडलाइट के अंदर, तो यहाँ पर आपको कुछ LED लाइट देखने को मिलेगी जो कि बाइक के साथ साथ जलती है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको ऑन करके भी दिखाऊँ। तो दोस्तों नीचे नज़र डालते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों पहले आपकी नॉर्मली आती थी, पर अब आपको यहाँ पर जो है सिंगल डिस्क देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर और सिंगल चैनल आपको ABS देखने को मिलेगा इसमें, जो मतलब चेंज हुए हैं पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, तो पीछे क्या होता था कि ड्रम ब्रेक आता था, लेकिन आप देखेंगे आप यहाँ पर तो आपको ABS देखने को मिलेगा पीछे आपको सिंगल, इसमें डिस्क नहीं है, सिंगल डिस्क है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीट जो है आपकी ट्विन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है और सीट जो है पहले के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट कर दी गई है और काफ़ी अलग सी लग रही है देखने में। तो चलिए दोस्तों मीटर दिखाता हूँ मैं एक बार इसका। तो मीटर में दोस्तों जो पहले जो हमारी 150 cc आती थी उस मीटर और इस मीटर में ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा क्या मतलब बिल्कुल भी फर्क नहीं है, मीटर जो है सेम ही आ रहा है आपको देखने को मिलेगा। जो पहले आ रही थी हमारी 150 और 160 में आपको सेम मीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पे LCD में आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही होगी जो यहाँ पर ट्रिप वगैरह जैसे कि शो करता है, देख सकते हैं एनालॉग मीटर मिलता है इस बाइक के अंदर। तो यहाँ पर जो है आपको मिरर जो देखने को मिलेंगे वो थोड़े से चौकोर में देखने को मिलेंगे, दोनों साइड लगे हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये मिरर देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी और काफ़ी यूनिक लुक है। तो दोस्तों टैंक पे नज़र डालते हैं, टैंक देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे मैट फिनिश में यहाँ पर ब्लैक के साथ में ये जो लुक दे रखी है ये काफ़ी अच्छी लग रही है। जो आपका जो फ्यूल का जो मीटर आता है दोस्तों वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, टैंक के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं अगर पेट्रोल की, तो पेट्रोल आपको E20 ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर पुरानी वाली बाइक होती तो दोस्तों इसमें E20 ऑप्शन नहीं आता था, यहाँ पर आपको E20 ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में बाइक जो है धड़ाके से बिक रही है और खूब चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं इस बाइक को। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई आपके सामने एवेंजर लेके आऊँ दोबारा मैं। आइए नज़र डालते हैं एग्जॉस्ट पे इसके। दोस्तों एग्जॉस्ट देखेंगे तो एग्जॉस्ट जो है काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और पीछे आपको यहाँ पे पूरा मैट फिनिश के साथ में पेंट जो है एग्जॉस्ट पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लुक देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, ब्लैक जो है ग्लोसी में कर रखा है, यहाँ से आप देखेंगे तो पूरी लुक अच्छी लगी हुई है इसके अंदर और काफ़ी यूनिक देखने में लगता है। तो यहाँ पर जो की सिस्टम होता था हमारा जैसे मीटर को ऑन करने का, तो वो पहले भी यहीं आता था और अब भी यहीं आ रहा है, इसमें कुछ मतलब खास चेंज नहीं है। मेन जो चेंजेस थे गाड़ी के वो थे आपके यहाँ पर हेडलाइट्स को लेके थे,
की हेडलाइट आज की चेंज मिलेगी। डिस्क को लेके है, एबीएस को लेके है, इसमें चेंज जो मिल रहा है आपको। पीछे की लुक देखेंगे तो पीछे की लुक थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं। पहले जो ये जो मडगार्ड आता था और टेल लाइट आती थी, थोड़ी अलग आती थी, लेकिन अब जो है थोड़ा सा इसको भी स्टाइलिश लुक में डाला गया है। ये मडगार्ड जो है थोड़ा सा नीचे और बड़ा कर दिया गया है, पहले ये छोटा आपको देखने को मिलता था बाइक के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टायर का साइज भी आपको अच्छा खासा इसमें बड़ा देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेरे ख्याल से 130 mm का आपको टायर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी ब्रॉड है टायर और बड़ा लगता है देखने में। मडगार्ड आपको आप देखेंगे तो इसमें पूरा फुल्ली ब्लैक आपको मडगार्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो है थोड़ा सा पतला कर दिया गया है, लेकिन गाड़ी को जो लुक, जो कंप्लीट लुक दे रहा है ना, वो काफ़ी अच्छी दे रहा है दोस्तों, और इसकी वजह से थोड़ी सी यूनिक भी लगती है। तो टैंक की मैं आपको यहाँ पर ग्राफिक्स दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे पहले जो प्लेन आती थी बाइक, बिल्कुल उसमें कहीं पर भी कोई टचिंग ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलती थी आपको। यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्राफिक्स देखने को मिलेगी और काफ़ी यूनिक लगती है देखने में। आप देख रहे हैं रेड कलर है, रेड कलर और ब्लैक कलर, मैंने कहा था ना कि जैसे कि कॉम्बिनेशन जब तक ना हो गाड़ी में मज़ा नहीं आता, तो यहाँ पर आपको रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो एवेंजर लिखा हुआ है कंप्लीट, यहाँ पर यहाँ एवेंजर देखेंगे तो आपको कंप्लीट एवेंजर लगा हुआ मिलेगा, लोगो लगा हुआ मिलेगा इसके अंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ साइड में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी, काफ़ी यूनिक सी लग रही है। तो पहले के हिसाब से और इस बाइक के हिसाब से तो दोस्तों उस वाली से ये वाली ज़्यादा बेटर लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है बाइक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके जैसे कैपेसिटी की, अगर इसके अंदर मैं टैंक की कैपेसिटी बताऊं तो दोस्तों 14 लीटर का आपको इसके अंदर टैंक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी माइलेज की, तो 40 से 45 का इसके अंदर आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा, जो कि 160 के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है। तो दोस्तों बात करते हैं जो मेन जो आता है इसका प्राइस, तो मैं प्राइस जो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों, आपको प्राइस जो है ऑन रोड बताऊंगा, मैं एक्स शोरूम प्राइस नहीं बता रहा। ऑन रोड प्राइस इसका दोस्तों पड़ने वाला है 1,44,500 रुपये, इसका ऑन रोड प्राइस है आपको 1,44,500 में दोस्तों ये बाइक देखने को मिल जाएगी। ऑन रोड आप इसको ले सकते हैं, एक्स शोरूम मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर नहीं कर सकता कि एक्स शोरूम प्राइस कितना होगा, लेकिन ये जो भी है 15-20 हज़ार का जो डिफरेंट आता है या फिर जो भी आता है, मतलब एक शोरूम में थोड़ा डाउन हो जाता है, तो ये टैक्स वैक्स लगा के इंक्लूडेड आपको बाइक मिलती है ऑन रोड 1,44,500 इसका ऑन रोड प्राइस हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस बाइक की कंप्लीट डिटेल, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, वीडियो को भी लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों आपको ये बाइक कैसी लग रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।